हेलो गाइस, पूर्णिमा किचन में आप सबका स्वागत है। मैं पूर्णिमा आप सबको जोहार दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाएंगे अरसा। अरसा बनाने के लिए चावल हमने रात में फुला लिया था दोस्तों। सुबह उठकर इसे हम अच्छी तरह से धोकर बाहर में छत में सुखा लिया है। आप फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। जब चावल अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे मिक्सी जार में आप इस तरह से पीस ले दोस्तों। देखिए हमने पीस कर आटा तैयार कर लिया है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों और बहुत अच्छा बनता है अरसा। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए हमने सभी चावल को आटा बना लिया है। 2 कप चीनी लेंगे, कटोरा, 2 कटोरा चीनी लिया है और आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह से हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, चिपचिपा नहीं करना है, पतला ही रहने देना है और चावल आटा को थोड़ी थोड़ी डालकर अच्छी तरह से पकाते जाना है दोस्तों। धीमी आंच में पकाएं ताकि चावल अच्छी तरह से पक जाए चावल आटा। इसी तरह सभी आटा को हम डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे और ये थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पकते जाएंगे। जब ये पूरे पकने लगेंगे तो डो तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसी तरह से घोल को हिलाते हुए चलाते रहना है ताकि गांठे ना पड़े और आटा का डो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। बीच में हम थोड़े से घी डालकर चलाएंगे दोस्तों ताकि अच्छी तरह से डो तैयार हो और चिपचिपा ना बने। तो देखिए इस तरह से हमने घोल को डालते हुए धीरे धीरे चलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है ताकि चावल आटा कच्चा ना रहे। तो देखिए इस तरह से सभी अच्छी तरह से घोल तैयार हो जाएंगे दोस्तों। अब उसे हम उतार कर रख देंगे, तेल डालेंगे और गर्मा गर्म इसी तरह से देखिए हाथ में जलता हुआ रहेगा। इसी तरह से आप छोटे छोटे गोल शेप दे सकते हैं या चपटा टाइप का गोल शेप बनाकर आप अरसा तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अरसा ठंडा नहीं करना है, जितना ज़्यादा गर्म रहे आप उसे हाथ में लेकर अच्छी तरह से बनाते हुए डाल सकते हैं। गर्मा गर्म चावल का डो तैयार करके और इसे तलना है दोस्तों ताकि ये फटे ना और बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट तैयार हो अरसा। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। ये इतना अच्छा बनता है कि आप इसे महीना भर में खाकर ख़त्म कर देंगे। अगर इसे महीना 2-3 महीना अगर चलाना चाहे तो ये चल सकता है। बहुत आसान रेसिपी है और ये ख़राब नहीं होता दोस्तों। तो देखिए हमारी ये अरसा रेसिपी बन चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरह मेरे चैनल में बने रहिए और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए हमारे ये अरसा एकदम सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने हैं। आप गुड़ के अरसा भी बना सकते हैं दोस्तों।